सकते हैं। अर्जुन कपूर पब्लिक को धमका रहे मेरे भाई। अर्जुन कपूर को मैं बोलना चाहता हूँ, पहले एक्टिंग तो सीख ले। मुझे स्पेशली बोलूँ तो कार्तिक की 2 अच्छी लगी। वो हीरोइन ही नहीं है, वो मुझे हिजड़ा लगता है। आमिर खान का वही टाइप का रोल है। हेलो वन मैनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों हमारे साथ में आज काफ़ी स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। आपने हमारे कुछ रिव्यूज़ में देखा भी होगा, परेश रावल के नेफ्यू जी कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। हम आपके साथ में ऑनलाइन रिव्यू करते थे, आज आप खुद पधारे हैं गेटी गैलेक्सी मुंबई आए हैं। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में करता था, आज स्पेशली लाइव में आया हूँ आपके सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू बॉलीवुड प्रेमी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी एंड मुंबई में भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये हफ्ते में जो पिक्चरें रिलीज हुई, 3 पिक्चरें आई, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और कार्तिक है साउथ की, आपने 3 पिक्चरें देखी जी, सबसे अच्छी कौन सी लगी? मुझे स्पेशली बोलूँ तो कार्तिक 2 अच्छी लगी। कार्तिक 2 अच्छी लगी जी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि कश्मीर फाइल्स का उसमें प्रोड्यूसर है अभिषेक अग्रवाल। ओके, तो इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, पार्ट 1 से भी ज़्यादा पार्ट 2 बहुत अच्छी है। ओके जी, पार्ट 1 देखी थी आपने? जी पार्ट 1 मैंने देखी थी। हाँ, मुझे पार्ट 2 बहुत पसंद आई। ओके जी, कहानी, आप गुजरात से हो, गुजरात में भी उन्होंने शूटिंग की है, गुजरात में द्वारका आए थे। यस जी, कुछ बताइए द्वारका के बारे में और इनकी कहानी में क्या आपको पसंद आया? अब द्वारकाधीश के बारे में तो क्या बताऊँ, श्री कृष्ण वहाँ पे पधारे हैं, तो बहुत कहानी अच्छी लगी। श्री कृष्ण के बारे में बताया, द्वारका का पूरा लोकेशन बताया है, फिर और भी बहुत लोकेशन बताया, तो अनुपम खेर की एक्टिंग मेरे को अच्छी लगी बहुत, जिन्होंने ब्लाइंड एक्टिंग प्ले की है। फिर निखिल का अच्छा लगा जो मेन लीड है, और फिर प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल का काम अच्छा लगा, बहुत अच्छी पिक्चर अच्छी लगी बहुत बहुत। ओके, एक हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी बताया जी उन्होंने, यहाँ पे भी मुंबई में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पिक्चर को। मतलब शुरुआत की थी उन्होंने 7 लाख के बॉक्स ऑफिस से जी, पहले दिन पे 7 लाख, जम किया 28 लाख पे, फिर 1 करोड़ 10 लाख जी, फिर इससे ज़्यादा और हो गया चौथे पांचवे दिन पे 1 करोड़ 28 लाख, ऐसे कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहाँ कैसे रिस्पांस है गुजरात में लोगों का? गुजरात में भी हाउसफुल जा रही हर जगह। ओके, मुंबई में भी हाउसफुल जा रही हर जगह, हाउसफुल जा रही है फिल्म, लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म। और ये एक्टर का नाम निखिल है ना शायद, निखिल सिद्धार्थ जी जी जी, ये निखिल का काम भी बहुत अच्छा है, अनुपम खेर का काम भी बहुत अच्छा है, वो तो एक्टिंग का किंग है ही, तो बहुत अच्छी है। ओके, लाल सिंह और रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे, कैसी लगी थी आपको दोनों पिक्चरें? मुझे लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन स्पेशली बोलो तो बहुत बेकार लगे, बहुत बेकार लगी। क्यों, क्या हो गया? बेकार क्यों लगी? आमिर खान का वही टाइप का रोल है, 3 इडियट देख लो, पीके देख लो, पीके में भी वही रोल था, धूम 3 में भी वही रोल था समर का, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। जमे नहीं आमिर खान, बिल्कुल भी नहीं। कहानी अडेप्टेशन जैसे किया है टॉम हैंक्स की पिक्चर फॉरेस्ट गम का, अडेप्टेशन कैसे लगा? कहानी में मैं बोलूँ तो इंटरवल के बाद मैं सो गया था। अरे बाप रे जी। ओके, मुझे नींद आ गई इंटरवल के बाद, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी लाल सिंह चड्ढा। ड्रॉप कहाँ पे हुआ? आमिर खान को बहुत उम्मीदें थी पिक्चर से, स्टार्ट से लेकर एंड तक ही ड्रॉप है, कुछ है ही नहीं पिक्चर में। ट्रेन का सीक्वेंस है, ट्रेन चलती जा रही है, वो कहानी बताता जा रहा है, बहुत बेकार लग रही है। करीना कपूर नहीं, करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला था आप मेरी फिल्म देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो तुम्हारी चॉइस है, तो वो फल मिल गया उसको। फल मिल गया, लोगों ने दे दिया फल जी जी जी। ओहो, क्योंकि क्या होता है कि इतने बड़े सुपरस्टार आते हैं आमिर खान, तो लोगों चाहते हैं, मतलब बॉलीवुड वाले सभी लोग चाहते थे कि बम्पर ओपनिंग मिले पिक्चर, पिक्चर को ओपनिंग नहीं मिली। अक्षय कुमार का क्या हुआ, रक्षाबंधन नहीं पसंद आई आपको? रक्षाबंधन का क्या है, इंटरवल से पहले बहुत अच्छी है। ओके, इंटरवल के बाद जो क्लाइमेक्स दिखाया है वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्लाइमेक्स पसंद नहीं आया, बहुत डिसअपॉइंटेड है, तो कहानी में उनको चेंज करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है तो चलो रक्षाबंधन नाम रख लो। तो मुझे इतने अच्छे लगे, पिक्चर नहीं पसंद। नहीं, नहीं, नहीं। अक्षय का काम कैसा था? अक्षय का काम नो डाउट बहुत अच्छा था, इंटरवल के बाद उसकी बहन मर जाती है तब तो बहुत अच्छा काम है उसका, तो कहानी में कुछ दम नहीं है, कहानी में दम नहीं, अक्षय की वो नहीं है पर कहानी में दम नहीं है। ओहो, मतलब दोनों बड़ी पिक्चरों से आप डिसअपॉइंट हुए,
लेकिन साउथ बड़ी पिक्चर से भी ज्यादा कार्तिक 2 बहुत ब्लॉकबस्टर है। कार्तिक 2 जी बड़ी पिक्चर होगी इन दोनों के सामने, ऐसा कह सकते हैं हम। ओके, अभी एक रिसेंटली अर्जुन कपूर ने इंटरव्यू दिया मीडिया चैनल को, कहते हुए कि लोग जो बॉयकॉट 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 कह रहे, ये हमारी चुप्पी का फायदा उठा रहे। अर्जुन कपूर ने तो रणवीर सिंह की न्यूड में भी वही कहा था, तो ये तो बॉलीवुड में जो रहना है भाई, तो उनकी तारीफ तो उन लोगों को करनी पड़ेगी, उनकी चाटनी तो उनको पड़ेगी, तो ऐसा है बॉलीवुड में। लेकिन ऐसा लोग कह रहे कि अर्जुन कपूर पब्लिक को धमका रहे कि आप लोग हमको कैसे बॉयकॉट कर सकते हो, आपका क्या कहना है? अर्जुन कपूर पब्लिक को धमका रहे मेरे भाई, अर्जुन कपूर को मैं बोलना चाहता हूँ, पहले एक्टिंग तू सीख ले, एक्टिंग का एक भी नहीं आता तेरे को, बहुत बकवास एक्टिंग तू करता है, रिटायरमेंट ले ले, मैंने बोला। अर्जुन कपूर को परेश रावल के नेव्यू कुलदीप जी बोला रिटायरमेंट ले ले, पसंद नहीं आया आपको एक विलन में अर्जुन? बहुत बकवास, उससे ज़्यादा तो जॉन का कम अच्छा था, मेरे को वही नहीं पता चला कि विलन कौन है। ओह ओके, दोनों सेम मारते और लास्ट में जॉन को शेर खा जाता है। अब बताओ शेर खा जाता है, फिर वो जिंदा हो जाता है लास्ट में, रितेश आ जाता है उसको मार देता है, फिर वो वापस जिंदा हो जाता है। ये पार्ट 3 बनाने का आप सोच रहे हो क्या? बॉलीवुड को जो आगे ला सकता है वो है विवेक अग्निहोत्री, ओके, जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई, ताशकंद फाइल बनाई, उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए इन लोगों को, तो कुछ जमा नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे एग्जांपल्स रोज ट्रेंड हो रहे सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे गलती हो रही है इनकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक्टर आ जाता है अर्जुन जैसे और कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल देता है, तो बॉलीवुड का नाम हैम्पर हो जाता है। और आपने भी कहा कि बॉलीवुड को सोचना की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत इस बात पर। बॉलीवुड जिस हाल पे अभी है तो उस हाल पे उनको सोचना ही चाहिए। ओके, चलिए आखिरी सवाल मैं पूछूंगा जी। पिक्चर आने वाली है कल जी 19 अगस्त को जी, तापसी पन्नू जी, बढ़िया एक्ट्रेस है बहुत जी, लाइन लगी हुई है उनके पिक्चर की टिकट बुकिंग के लिए, देख लो दोबारा नाम है पिक्चर का, उन्होंने बोल दिया हमारी भी पिक्चर को बॉयकॉट करो और पब्लिक ने कर भी दिया आज ट्रेंड, यहाँ पे पब्लिक दोबारा हो गई है। इन दोनों के अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने जो कहा, आपका क्या विचार है उस पर? वही लोग कह रहे हैं कि मेरी पिक्चर तुम बॉयकॉट करो तो कौन पब्लिक देखने जाएगी भाई आपकी पिक्चर, आप देख सकते हो लाल सिंह चड्ढा का हाल क्या हुआ है। जैसे करीना ने कहा मत जाओ तो पब्लिक गई नहीं, अब ये लोग बोल रहे हैं कि बॉयकॉट करो। लाल सिंह चड्ढा में इतने बड़े स्टार कास्ट थे, शाहरुख खान का कैमियो था तो भी लोग गया नहीं, कोई नहीं गया। रक्षाबंधन में अक्षय कुमार जैसा एक्टर था तो भी लोग कोई गए नहीं, तो ये दोबारा में तो ये घटिया पिक्चर में कौन जाएगा? अरे ट्रेलर भी जमा नहीं आपको दोबारा का तापसी पन्नू? ट्रेलर तापसी पन्नू कैसे लगती है आपको एक्ट्रेस? बॉलीवुड की बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तापसी, कैसे लगती है आपको? बहुत बकवास बहुत बकवास बोल रहे हैं, बाप रे। मैं तो बोलता हूँ उसको डंकी में भी बॉयकॉट करना चाहिए। ओके, वो हीरोइन ही नहीं है, वो मुझे हिजड़ा लगता है। ओहो, वो हीरोइन ही नहीं है तापसी पन्नू, बहुत बकवास। तो डंकी में रिप्लेस कर लेना चाहिए राजू ईरानी ने जी, ऐसा कहना है कुलदीप रावल का। बिल्कुल okay. राजकुमार ईरानी की पीके मुझे वो भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम का वो बताया था, तो वो भी मेरे को वो जमी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दो हमारे ऑडियंस को। आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत है एक्चुअली, मेरी एडवर्टाइज में स्विगी की एडवर्टाइज मैंने की है। ओके, फिर एक क्रिकेट में सलमान खान के साथ की है, सुपर्ब। ओके, फिर शाहरुख खान के साथ 8 to 3 रमी की है, फिर जवान में मेरा कैमियो है। क्या बात कर रहे हो जी, अरे क्या बात है। सो देखिए आगे, जवान में कैमियो है जी, क्या लग रहा है जवान का? थोड़ा हमें अंदर की बातें डिटेल्स बता दो यार, आप पिक्चर आए तब देख लेना, थोड़ा तो कुछ तो बताओ। अभी तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर सकता मैं, अभी नहीं कर सकते? नहीं नहीं, पक्का पक्का, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा कुछ भी नहीं कर सकता। सरप्राइज है, नयन तारा है और कह रहे हैं कि विजय सेतुपति भी है कि नहीं, थोड़ा कंफर्मेशन तो सेतुपति है, विजय सेतुपति का कंफर्मेशन दे दिए इनसाइडर ने, सुन लो विजय सेतुपति भी है, नयन और भी सरप्राइज है वो आपको देखने को, और कुलदीप रावल भी है जवान में, क्या बात है। हम आएंगे आपके पास में जवान जब रिलीज होगी जी,
उसके पहले आएंगे जी और काफ़ी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप मुंबई आए, सिटी गैलेक्सी आए और इतनी सारी बातें की हमसे। जो पिक्चरें आने वाली है, जो पिक्चरें आके गई उनका रिव्यू दिया। कार्तिक बहुत पसंद आई आपको, बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। एंड वापस थैंक यू फ्रॉम ऑल द बॉलीवुड प्रेमी टीम एंड सारे दर्शकों को बोलूँगा कि ज़रूर देखिए जवान कैमियो है हमारे भाई कुलदीप रावल का। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीपक जी।